हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कुछ और न्यू डेली यूज वर्ड्स आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ, जिन्हें यूज़ करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है अक्यूज़। अक्यूज़ मीन्स है इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम लगाना। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है रबिश। रबिश मीन्स बकवास। बहुत बार हम यूज़ करते हैं इस वर्ड को, क्या बकवास कर रहे हो इस तरीके से, तो रबिश मीन्स होता है बकवास। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, इसको भी हम अपनी डे टू डे की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी कि एम्बिशियस। एम्बिशियस मीन्स होता है अब महत्वाकांक्षी। कोई भी आदमी किसी भी काम को जब लगन से बस करता रहे ना, उस चीज़ को करने में उसके अंदर लगन हो, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिशियस, यानी कि वो बहुत एम्बिशियस है, वो बहुत महत्वाकांक्षी है। इस तरीके से सिंपली आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिटरमाइन। डिटरमाइन मीन्स होता है निर्धारित करना, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में तय करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मीन्स होता है प्रयास करना। अटेम्प्ट हम बहुत सारे एग्जाम को भी करते हैं, कि हम एग्जाम देने का भी प्रयास करते हैं, यानी कि हमने एग्जाम्स भी अटेम्प्ट किए हैं। इस तरीके से सिंपली आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा देयरफॉर। देयरफॉर मीन्स होता है इसलिए। देयरफॉर इसलिए, देयरफॉर मैं यहाँ देर से आया, सिंपली हमें यही बोलना है। मैं आपको हर वीडियो के अंदर ये चीज़ बोलती हूँ ना, कि अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है, वर्ड मीनिंग किसके लिए है, उन्हीं के लिए है, क्योंकि हमारा पहला बेस होता है अपनी वर्ड मीनिंग को, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑफेंस। ऑफेंस मीन्स होता है अपराध। ऑफेंस यानी कि अपराध। नेक्स्ट वर्ड है रिग्रेट। रिग्रेट यानी कि पछतावा होना, किसी भी चीज़ का पछतावा होना, उसके लिए आप बोल सकते हैं कि हमने रिग्रेट किया, या मुझे रिग्रेट है, मुझे पछतावा है। उसके बाद हमारा जो वर्ड है वो है मेंशन। मेंशन मीन्स होता है उल्लेख करना, या किसी चीज़ के बारे में बताना, कि मैंने तुम्हें मेंशन किया था ना उस चीज़ के बारे में, यानी कि मैंने उस चीज़ के विषय में तुम्हें बताया था, या उसका उल्लेख किया था। इस तरीके से आप इसे सिंपली समझ सकते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आज का हमारा यूजुअल। यूजुअल मीन्स होता है आम या सामान्य। बहुत ही कोई आम या नॉर्मल सी चीज़ कहते हैं ना हम, ये तो बहुत यूजुअल है, ये तो बहुत आम बात है, या ये बहुत सामान्य बात है। इस तरीके से आई होप ये जितने भी वर्ड्स हैं आपके काम के रहे होंगे। ये चीज़ मैं आपको हर बार बोलती हूँ, कि आप सबसे पहले कुछ भी सीखने से पहले, बहुत सारे लोग ना सेंटेंस पर बहुत ध्यान देते हैं, बट सेंटेंस से भी पहले आपको अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको सेंटेंस समझ में नहीं आएगा, आप अगर किसी को देख करके रिपीट करोगे तो